गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1, आंसर वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। फर्स्ट वन, √3x³+8। तो √3x³+8 है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल हैज़ नन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता है। तो नन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पार कितना है, पार इज 3। ठीक है, पार 3 है, तो ये क्या हुआ, इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x - 2x² + 13। ठीक, तो इसको 9x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9x⁻¹। 9x⁻¹ -2x² + 13। ठीक है, तो एक्स टू पार माइनस वन आ गया, पार माइनस हो गया, पार नेगेटिव इंटीजर आ गया। जब नेगेटिव इंटीजर है तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स द पॉलिनोमियल इज कंटेनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 2 इज 7a² + 5a⁻¹ −7a⁴। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7a² + 5a। ठीक है, ये प्लस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, −7a⁴। ठीक, थ्री डिफरेंट टर्म्स आ देयर हैविंग सेम डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, थ्री टर्म्स आ देयर, तो ये क्या होगा, तीन टर्म अगर होते हैं तो क्या होता है, ये ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड द मैक्सिमम पार इज द डिग्री। मैक्सिमम पार कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम पार कितना है, 4। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री इज 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, 8x³⁵3x³y - 2x²y² + y⁴⁶। ठीक, तो इसमें चार टर्म्स हैं, आपके बुक में चार टर्म्स के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर चार टर्म्स हैं तो क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, इट इज़ क्वाड्रीनोमियल एंड द मैक्सिमम पार इज द डिग्री। मैक्सिमम पार यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, मैक्सिमम पार 6 है, तो मैक्सिमम पार इज डिग्री, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री इज 6। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ab + 2a² b² + 4ab + 3a² b² वॉट यू डू, जस्ट पिक आउट द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से हुए, जिनका लिटरल फैक्टर एक एक जैसा होगा। यहाँ ab है और यहाँ पे भी ab है, आप इस ab और इस 4ab को क्या किए, एक ब्रैकेट में रखें, ab और ये +4ab को एक ब्रैकेट में रखा गया, फिर बाहर में पॉजिटिव साइन, ab प्लस 4ab को एक ब्रैकेट में रखें, प्लस साइन, फिर जो दूसरे लेटरल फैक्टर्स हैं उनको एक साथ रखा गया, 2a² b² और +3a² b² को, 2a² b² + 3a² b² को एक ब्रैकेट में रखा गया। ab प्लस 4ab गिव्स 5ab प्लस 2a² b² + 3a² b² इट विल गिव 5a² b² हो जाएगा। सो यू हैव जस्ट एडेड द टर्म्स विच वर हैविंग द लाइक टर्म्स। ठीक है, सिंप्लीफाई, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई, 7x³ + 5x² + 3x + 8 एक ब्रैकेट में है, एंड सेकंड इन द सेकंड ब्रैकेट 9x³ - 2x² + 9 - 7x। ठीक है, फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट, तो अगर इसका ब्रैकेट हटाया गया तो 7x³ + 5x² + 3x + 8 ब्रैकेट हटाया गया, बीच में कनेक्टिंग साइन प्लस का है, 9x³ - 2x² + 9 - 7x। यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के पहले, तो अंदर के जो टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, प्लस में साइन चेंज नहीं करता है अंदर का, एज इट इज दिख दिया गया। नाउ व्हाट यू डू, जस्ट टेक द सिमिलर टर्म्स टुगेदर। यहाँ पे 7x³ है और यहाँ पे क्या है, 9x³, 7x³ 9x³, इन दोनों को हम क्या कि एक ब्रैकेट में रखें, 7x³ एंड 9x³, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखें, फिर एक पॉजिटिव साइन प्लस का साइन, इन द सेकेंड ब्रैकेट यू कीप द टर्म्स विच आर हैविंग x² एज लिटिल फैक्टर, 5x² और एक -2x², 5x² - 2x² को एक साथ रखा गया। ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन, फिर अगला जो लिटल फैक्टर है दैट इज ऑफ x, x को, और यहाँ भी क्या है x, तो 3x और -7x को एक साथ रखा गया, 3x - 7x एक साथ रखा गया, प्लस
ये 8 और ये 9, 8 प्लस 9 एक ब्रैकेट में रखा गया, तो 7x³ प्लस 9x³ इट बिकम्स 16x³, इन द सेकंड ब्रैकेट 5x² माइनस 2x² 5x² माइनस 2x² इट विल बिकम 3x² 5x में से 2x² चला गया, क्या बचा 3x² बचा, प्लस अब इस थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व किए 3x माइनस 7x, 3x माइनस 7x विल गिव माइनस 4x, ये थर्ड पार्ट आ गया एंड प्लस साइन एंड आफ्टर दैट लास्ट पार्ट 8 प्लस 9 दैट इज 17। नाउ यू रिमूव द ब्रैकेट 16x³ एज इट इज दिखा जाएगा प्लस 3x² एज इट इज दिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो साइन अलग है, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड इट विल गिव माइनस, माइनस 4x एंड लास्ट वन प्लस 17, ठीक है। सो द फाइनल आंसर बिकम 16x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 17। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 3y² प्लस 4y माइनस 7, ठीक है, y² प्लस y प्लस 12, इनको ऐड करना है, ठीक, ऐड करना है, तो 3y² प्लस 5y² 3y² प्लस 5y² व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव 4y², ठीक है, 3y² एंड y² लाइक टर्म्स आर देयर, दे आर हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, 3y² ऑफ y² को ऐड किए कितना हो गया 4y² प्लस 4y प्लस y प्लस 4y प्लस 5 प्लस 4y प्लस 1y कितना हो गया प्लस 5y, ठीक है, एंड माइनस 7 प्लस 12 माइनस 7 प्लस 12 विल गिव प्लस 5, ठीक है, द फाइनल आंसर बिकम्स 4y² प्लस 5y प्लस 5। नाउ सब्ट्रैक्शन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5ab प्लस 6bc माइनस 7ca, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2ab प्लस 4bc प्लस 2ca, दिस मेथड इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में आप पढ़े थे वो क्या था, दैट वाज द वर्टिकल मेथड, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। इसमें क्या कीजिए, जो टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाला है, जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसको क्या कीजिए, नीचे लिखिए, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 2ab प्लस 4bc प्लस 2ca फ्रॉम 5ab प्लस 6bc माइनस 7ca, लिख दिया गया, ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। इसमें क्या कीजिए, जो नीचे के जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो व्हाट यू डू माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, अब ये माइनस जो है ये प्लस हो गया है, इन सारे टर्म्स का जितने भी टर्म्स थे नीचे में उन सारे टर्म्स का साइन आप चेंज कर चुके हैं, प्लस को माइनस बना दिए, यहाँ भी प्लस को माइनस बना दिए और यहाँ वाले माइनस को प्लस बना दिए। नाउ यू हैव टू फॉरगेट द प्रीवियस साइन, कि इस 2ab का पहले साइन जो माइनस था आप उसको भूल जाइए, अब क्या इसका साइन हो चुका है, प्लस हो चुका है, प्लस 2ab, तो 5ab प्लस 2ab इट विल गिव 7ab, ठीक है, 7ab होगा द सेकेंड पार्ट। 4bc का पहले साइन क्या था, प्लस था, अब क्या हो चुका है, माइनस, इस पहले वाले साइन को भूल गए कि पहले ये प्लस था, अब क्या हो चुका है, माइनस, तो 6bc माइनस 4bc, 6bc माइनस 4bc, 6bc में माइनस 4bc जाएगा तो कितना बचेगा, 2bc, ठीक है, एंड द थर्ड टर्म, पहले 2ca का साइन क्या था, प्लस था, पहले प्लस था, अब इसको क्या अज्यूम कर लिया गया, अब क्या हो चुका है साइन, अब यह साइन हो चुका है माइनस, ठीक है, तो माइनस 7ca माइनस 2ca इट विल गिव माइनस 7 माइनस 2 इट विल गिव माइनस 9ca, ठीक है, इट इज़ अ मोर इजियर प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, व्हाट ओनली प्रोसेस यू हैव टू डू, जो नीचे का जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए और भूल जाइए कि उनका साइन पहले क्या था, अब जो नया साइन है उसके अकॉर्डिंग बस उसको सॉल्व करना है, जैसे इसमें प्लस 5bc प्लस 2ca प्लस 5ab प्लस 2ab इट विल गिव 7ab, वही इस पहले जो प्लस 4bc था अब क्या बन चुका है माइनस 4bc, 6bc माइनस 4bc इट विल गिव प्लस 6 माइनस 4 इट विल गिव प्लस 2, एंड ओवर हियर पहले प्लस साइन था अब क्या हो चुका है माइनस, माइनस 7 माइनस 2 इट विल गिव माइनस 9ca, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, आई एम गिविंग यू सम सप्लीमेंट क्वेश्चंस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हिच यू सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक कॉपी, थैंक यू।